पार्किंग से चोरी हो गई है। हाँ जी उठा के ले गया क्या फायदा। ये तो गलत बात है। लोग लगाए हैं तो क्या करोगे जाने दे। तो भाई तुम ही कहते हो खड़ी कर जाओ लॉक छोड़ करके खुल के। ये लॉक खुला रहेगा तो अब ये खड़ी है ये ले जाएंगे। हाँ हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस अब हम मोटर व्लॉग शुरू कर रहे हैं। अभी पार्किंग में एक इंसिडेंस हो गया, वो लड़की ने ना गाड़ी अपनी लॉक कर दी होगी और लॉक गाड़ी जो है वो पार्किंग से उठाने वाले टॉर्चर करके ले गए गाड़ी। और ये पार्किंग तो अनरजिस्टर्ड है, तो पार्किंग अनरजिस्टर्ड होने के कारण जो गाड़ी लॉक थी वो पुलिस वाले ले गए और जो गाड़ी अनलॉक जो सिंगल लॉक पर छोड़ जाते वो ठीक ठाक खड़ी हुई है। बताओ ये क्या तरीका है यार, ये तो गलत बात है ना। ये तो पार्किंग वाले की जिम्मेवारी होती है, सब चीज़ें होती है। अब बताओ ये तरीका तो गलत है, ऐसे धांधले चलते हैं जी ये लोग, बस क्या बताऊँ। बेचारी की किस्मत ख़राब थी लड़की की, या पता नहीं चोरी हो गई है या पार्किंग वाले ले गए हैं, या पार्किंग वाले जो है ये अपना पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि नो पार्किंग वाले उठा कर ले गए हैं। ये भी हो सकता है अपना पीछा छुड़ाने के लिए कि यहाँ से जाए ये लड़की। ऐसे ऐसे हालात हैं, देखो कितना मतलब गलत तरीका है ये। चलिए गाइस हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बंगला साहिब गुरुद्वारा आ गया है और यहाँ पर लाल बत्ती मिल गई है हमें। प्यास लग रही है यार अब बड़ी जोर की, आज कहीं छबील नहीं लगी मिलेगी, कारसी नहीं है ना। छबील लगी होती तो ज़रूर लेते यार। क्रीम बेल आइसक्रीम, प्यास लग रही है, आइसक्रीम नहीं खानी है। चलिए भाई फॉर्चुनर लेजेंडर E4 इंजन 2800 cc सिग्मा E4 का मतलब है 4x4 व्हील्स। 2.8 लीटर का मतलब है कि 2800 cc का इंजन। लेजेंडर मॉडल का नाम है ये, 55 लाख रुपए का है ये गाड़ी भाई साहब, 55 लाख रुपए का है। बाबा खड़क सिंह मार्क नहीं, हमें कली बराग मार्क में जाना है। बाबा खड़क सिंह नहीं, कली बराग, हाँ कली बराग। तो गाइस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं कनॉट प्लेस में, ही घूम रहे हैं अभी। कालीबरी मार्ग का मेट्रो वो लाल बत्ती आई है ये, और अब हम आगे निकल रहे हैं यहाँ से। भाई वीर सिंह मार्ग में पहुँच गए हैं, लग लिए हैं। ये देखो भाई विदाउट हेलमेट, बहुत खूब भाई बहुत खूब। अच्छा ये बढ़िया है भाई। यार प्लीज़ मेरे हर व्लॉग में एक बात होती है यार, बिना हेलमेट वालों को मैं चिन्हित करता ही करता हूँ कि यार हेलमेट पहनो यार, प्लीज़ यार हेलमेट पहनो। ऐसा मत करो यार, ये आपके घर वालों के लिए होता है, सबके लिए होता है यार। प्लीज़ हेलमेट ज़रूर पहनो यार, ऐसा करना अच्छा नहीं होता है यार, आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है।
जाकर दिए। भाई सेल्फी ले रहे हो या फोटो खींच रहे हो? भाई कैमरा देख के डर गया यार, मेरी भी ले ली इन्होंने तो। भाई अपना सुपरस्टार करे दानी ब्याह। भाई दिल्ली घूमने आए, मान लग रहे हैं। ये यार फटाफट निकले यहां से। भाई हमें पंजाबी बाग अवॉइड करना है क्योंकि वहां बड़ा ट्रैफिक मिलता है, वहां पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो हम इसी रास्ते से चलेंगे। हमने ये ले लिया झंडे वालन मार्ग से, हम निकलेंगे पीतमपुरा। पीतमपुरा से होते हुए चलेंगे, आधे पौने घंटे में रोहिणी हो जाएंगे। ट्रैफिक में बोला कुछ नहीं आता, लेकिन साले कटपट इतने लगते हैं ना, आदमी वैसी कुछ बोलने लायक नहीं होता। थोड़ा सा यार प्यास लग रही है एक्चुअल में, मैं चुप भी इसलिए भी हो गया हूँ, कुछ ना प्यास लग रही है। अरे नहीं यार कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा अच्छा यहाँ पर टर्न लेने का क्या मतलब है? हाँ भाई भाई, दो दो इनोवा क्रिस्टा जा रही है हमारे आगे, गाड़ी मस्त है कहते हैं। इस गाड़ी के बारे में लोग बताते हैं कि उन्होंने 10-10 लाख किलोमीटर चला रखा और इंजन ने आज तक कुछ नहीं बोला। और मज़े की बात यह है, कंफर्टेबल इतनी है कि मेरी एक ड्राइवर से बात हुई थी, सदा मैंने 8 घंटा नॉन स्टॉप चलाई हुई है, जबकि मैं भी एक ड्राइवर हूँ, मतलब अपनी गाड़ी तो चलाता ही हूँ, प्रोफेशनल ड्राइवर के बराबर ही हूँ, कोई वो अलग थोड़ी ना होते हैं, पैदा होते हैं कोई गूगल से डाउनलोड थोड़ी ना होते हैं प्रोफेशनल ड्राइवर। तो भाई मैं भी एक ड्राइवर ही हूँ और उस हिसाब से जो है मैंने भी गाड़ियाँ चलाई है, तो लेकिन 4-5 घंटे से ज़्यादा चलाना बड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। ये देखो ये सारे बहुत समझदार लोग हैं, इनको इतनी जल्दी पड़ी हुई है कहने की हद नहीं है। इनकी वजह से कोई गाड़ी वाला इमरजेंसी ब्रेक मारेगा, कुछ मारेगा, इन्हें कोई वो नहीं है। सर सोचना चाहिए कि इस बारे में कि किसी को परेशानी हो कुछ होगी, लेकिन नहीं सोचते ये लोग। सबको भाई वो देखो, वो तो जंप ही कर गया, लाल बत्ती जंप कर गया, ये दूसरा भी कर गया, वैन वाला भी देखो आधा सड़क घेर के खड़ा हुआ। आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मेरा कैमरा एक्स्ट्रा वाइड है, जूम नहीं होता। ये 3.5 mm है, ये कम से कम 50 mm पे आपको अच्छे से दिखाई देता है ये सारी चीज़ें। सारे ही देखो समझदारी दिखाते हुए।
आप जाइए सर जी, हम नहीं कुछ कहेंगे, हम अपना मज़े से चलेंगे जी, हमें 2 मिनट में कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो दुकानदारी रुकनी है, होनी है, वो तो हो ही रही है, रुकी रही है। ये जय माँ झंडे वाली माता तेरी सदा ही जय। ओ एम्बुलेंस खड़ी, वो उस रोड पे है भाई, उस रोड पे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे। जितने में हम यू टर्न करके आएंगे भी ना, तो या तो एम्बुलेंस निकल चुकी होगी और यू टर्न लाल बत्ती से, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए जय माँ झंडे वाली माता तेरी सदा ही जय, जय माता दी। छाँव मिल गई भाई, चलो पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी है यहीं पे ही, ये लोग रॉन्ग साइड खड़े हुए हैं। भाई तो बिना हेलमेट, आंख से आंख मिली है, आंख से आंख इससे। क्या कहें यार, किस किस को बोले। आपने मेरे हर व्लॉग में देखा होगा, मैं हर किसी को टोक देता हूँ विदाउट हेलमेट। भाई हेलमेट, जो हेलमेट हाथ में लेके चल रहा होता है उसे तो यही कह देता हूँ भाई पहन लो इसे, दिखाने के लिए नहीं है ये। चलिए भाई, अपना तो खुला हुआ है, अपनी तो लेफ्ट साइड फ्री है। ओ भाई साहब, बिना ऑपरेशन बिना दवा कैंसर लीवर फेल किडनी फेल वाले इलाज कराएं। भाई ये सारे के सारे एडवर्टीजमेंट डॉक्टर जो है ऑटोज पे ही कराने लगे हैं क्या, क्या हुआ भाई। यो मैन, ओह माय गॉड, 60% ऑफ ऑन वुडलैंड। जब वुडलैंड पे 60% ऑफ का बोर्ड लगे हुए हैं, ये वीडियो घरवाली ना देख ले। वो भाई लेडीज सैंडल मैंने दिलाई थी इसे एक बार वुडलैंड की, भाई बड़ी सेटिस्फाइड हुई थी मेरी बीवी, शादी से पहले दिलवाई थी इसे एक बार। और रुक जाता हूँ, भाई शादी से पहले दिलवाई थी, बड़ी खुश हुई थी भाई, इतनी सेटिस्फाइड थी ये वुडलैंड की सैंडल में, इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी मैं बता नहीं सकता तुम्हें। बड़ी कुछ थी वो, इसको छोटी हो गई थी या कुछ ऐसी था जो उसको देखना ही नहीं चाहिए ये वीडियो, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं भाई, इतना तो मैंने टॉप कर दिया, वो देख भी लेगी तो अब क्या कर सकता हूँ, यही बोलूँगा कि जानू उसी दिन थी बस। मैन आर मैन, बॉयज विल बी बॉयज, याई याई या। रुक जाए चल, एक भाई स्कूटी वाला आ गया तेरे से, देखो येलो 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 पे हम निकल गए।
यहाँ येलो में निकल के आगे लाल है। लाल बत्ती जंप बिल्कुल नहीं करनी भाई, किसी सूरत में नहीं करनी। अच्छा होती तो मजा आ जाता। योर कार इज योर ऑटो यूनिट कार डिटेलिंग, येरा कार डिटेलिंग का आउटलेट इनका ही है ना, गुड़गांव में भी शायद है ना। कार डिटेलिंग ये भाई विदाउट हेलमेट खड़े दूर थे कती हमसे। पूरी गाड़ी वजन के कारण झूल रही है इसकी, लेकिन इसे परवाह नहीं है भाई। बढ़िया लोग ऐसे ही होते हैं, हमारे जैसे लोग थोड़ी ना होते हैं बढ़िया। नहीं भाई यही उस्ताद है, हम लोग तो कबाद है। बातें तो बहुत होती हैं, प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल बनाया है, चलो तुमने बनाया, गवर्नमेंट छूट दे रही है, अलाउ कर रही है तुम्हें टू व्हीलर को या फोर व्हीलर को भी तुम ले जाते हो, चलो गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, कुछ नहीं कहते, पुलिस वाले नहीं रोकते या रोकने के बावजूद भी नहीं चालान काटते दिल्ली में या कहीं भी नहीं काटते पूरे इंडिया में चंडीगढ़ को छोड़ के। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसकी मेंटेनेंस भी उस तरीके से ना करो। भाई ये तो ग्रीन ही नहीं है अपनी बत्ती, अपनी तो लाल निकली। तो अपन भाई आगे को जाके, ओ भाई ताऊ कति तुम मरवाओगे हमें। चलिए यार स्कूटी कर देते हैं बंद आराम से। चलिए आप लोग एंजॉय करिए छोटा सा म्यूजिक और एक टाइम लैप्स। चलिए गाइस कैसा लगा टाइम लैप्स यार, कमेंट डाउन यार प्लीज़ बताइए यार कैसा लगा टाइम लैप्स। और चलिए अब फटाफट से अपने ब्लॉग पे आ जाते हैं फिर से। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं लगभग, ये है आपका कौन सी बस्ती, शकुर नहीं दया बस्ती ऐसी नाम। अरे यहाँ पर रेलवे स्टेशन है वो वाला, अरे दिमाग से आउट हो गया यार, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार कौन सा यार बहुत पॉपुलर है यार वो, तो पीछे निकल गया है रेलवे स्टेशन। अरे ये कैसे खुल गया, अरे ये अपने हेलमेट का लॉक कैसे खुल गया भाई आज, ये तो कभी खुलता ही नहीं है यार, स्टड का हेलमेट है अपना तो यार लगा लिया गया है। चलिए आप निकलते, ये तो एक हाथ से नहीं खुलता, दो हाथों से तो बनता है, ये कैसे खुली आज यार, थोड़ा शक होगा मुझे यार ये ख़राब हो गया क्या, नहीं आवाज़ भी आई है लगी तो ठीक से लगाया नहीं होगा मैंने। ये
रुक जा यार, ये चले आ रहे हो सड़क के बीच में। हाँ भाई, ट्रैफिक में थोड़ा सा हो जाता है, बातें कम होती हैं, लेकिन चलिए अब हम फिर से बातों में आ गए हैं आपके साथ में। इसीलिए हमने साथ में थोड़ा म्यूज़िक लगा रखा होता है कि आप लोग जहाँ मैं चुप कर जाऊँ आप लोग बोर ना हो। चलाकी। अच्छा एक कमेंट और करिएगा, एक म्यूज़िक अच्छा लगता है या बदल बदल के म्यूज़िक अच्छा लगता है? यार एक में थोड़ी आसानी हो जाती है, एक बार पिक करो कॉपी पेस्ट मारते रहो। हाँ हमारे आते ही गत्ती ग्रीन हो गई भाई, किस्मत है हमारी, किस्मत। हाँ भाई सभी को जल्दी है भाई, सभी को जल्दी है भाई, हमें ही नहीं है बस एक जल्दी, आप निश्चिंत रहो। तो क्या बात है सवारी भाई, सवारी स्माइल स्पार्कल शाइन बैग पे लिखा है यार, कहीं उधर उधर मत पड़ो। फूल तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन इसने पानी डाल डाल के नाश फेर दिए। पानी डाल के कौन सी अच्छी आ रही है? कह रहा है पानी नहीं डालेंगे तो शक्ल बिगड़ जाएगी, आंटी जी को चला रहा है। पानी डाल के कौन सी अच्छी दिख रही है? देख के थोड़ा थैंक यू ब्रो, मेंशन नॉट। AK-47 है भाई के पास, डरा रहा है या जता रहा है? भाई AK-47 दिखा कर डरा रहा है जता रहा है तू भाई? नहीं भाई तू डरा या जता, हम आगे निकल गए, अब तेरी मर्जी, जो मर्जी करता रही अपनी AK-47 लेके। हाँ ना तो भाई साहब, रेड फिल्टर है देखो यार, आप लोग भी ऐसे देखा करो, सोचा करो थोड़ा सा। उधर से गाय खड़ी थी तो मैंने इस तरफ ब्रेक मारी ताकि वैगनार वाले को जाने का रास्ता मिल सके,
ना कि परेशानी आए कोई। ओ माय गॉड व्हाट ए कार लीजेंड, ओ भाई व्हाट ए लीजेंड कार, ओहो भाई साहब ऐसी चीज़ों की तो मैं तारीफ़ करता हूँ भाई, ये कार कहाँ से खोज के ला रहा है। ओए होए 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 बेटे बंदे की बातचीत भाई, अंग्रेजों के ज़माने की कार लग रही है, अब अंग्रेजों के ज़माने की कार। भाई साहब ये ना किसी उसने ली होगी, जो ये कार बनाने वाले वो होते हैं ना जहाँ पर आप एंटीक कार्स वगैरह देखते हो, तो ये पेंट पुंट करके वहाँ लगेगी अब ये। भाई साहब लेजेंड, ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहती है यार, उसको मेंटेन मेंटून करके अपना निकाल ले जाएंगे। भाई छाँव भी चाहिए और लाल बत्ती भी नहीं क्रॉस करनी है और ग्रीन पे चलना है। याई याई ये हे, अरे निकाल भाई टंगा गाड़ी ने। यार अंकल जी ऐसे गाड़ी चलाओगे, हो गया आपका काम, हाई जोन में मत चलो ना, बीच में चलो, किसने रोका है, आप चलाओ ना अपने 40 की स्पीड पे, लेकिन हाई स्पीड जोन पे क्यों चल रहे हो फिर। आता नहीं यार इन्हें लाइसेंस देता कौन है भाई, मैं तो ये शब्द बोल ही नहीं सकता। रिट्रीट वाटर पार्क, चलो भाई चलो, लाल बत्ती आ गई, ये भी बहुत लाल बत्तियां यार, दिल्ली तो नाम ही बदनाम है लाल बत्ती।